अपने वैभवशाली इतिहास के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। चाहे वो यहाँ के मंदिर हो, नदी हो या कोई किला हो, सबका अपना एक इतिहास है। कुछ के बारे में हम सोच सकते हैं तो कुछ हमारे सोच से परे है, और तब यहाँ से शुरू होता है हमारे अंदर आस्था, भक्ति और श्रद्धा। चाहे वो कोई पेड़ हो या साधारण सा दिखने वाला पत्थर या किसी मंदिर के भगवान। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जिसकी कुछ ऐसी खासियत है जो हमारे सोच से परे है। वो मंदिर है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर कुर्मा सेलम की पहाड़ियों पर कछुए की आकार में बना हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के लगभग 70 से ज्यादा ऐसे खंभे हैं जो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। इस मंदिर के सारे खंभे जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठे हुए हैं, जो बेहद ही रहस्यमयी और आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये मंदिर इन्हीं खंभों पर टिका हुआ है। कहा जाता है लेपाक्षी मंदिर के इन खंभों के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख और समृद्धि आती है, इसलिए यहाँ आने वाले लोग उन खंभों के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र को समर्पित है। वीरभद्र भगवान शिव का एक क्रूर रूप है। लेपाक्षी मंदिर के निर्माण से संबंधित पौराणिक मान्यताएं कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त ने बनवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, जहां इसी जगह जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे, और जब भगवान राम जटायु से मिले तो उन्होंने जटायु को लेपाक्षी कहते हुए गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ उठो पक्षी होता है। इस मंदिर में एक पैर का निशान भी है, जिसे कुछ लोग भगवान राम के पैर तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। इस निशान को त्रेता युग का गवाह माना जाता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक साथ बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में विजयनगर के राजा के यहाँ काम करने वाले विरूपन और विरन्न नाम के दो भाइयों ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर के ये हवा में लटकते हुए खंभे बहुत ही अद्भुत है, लेकिन ये खंभे शुरू में ऐसे नहीं थे। ये पहले जमीन से पूरी तरह जुड़े हुए थे, लेकिन एक बार एक ब्रिटिश इंजीनियर ने ये जानने की चाह में कि ये मंदिर इन खंभों पर कैसे टिका है, इसको हिला दिया, और तब से आज तक ये खंभे ऐसे ही हवा में लटके हुए हैं।